अब BMS एप्लीकेशन में न्यू स्टूडेंट एंट्री कैसे कर सकते हैं हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको सुपरवाइजर एप्लीकेशन आपका ओपन करना है जो हमने ओपन किया। आपको यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अगर एक या दो स्कूल रहेंगे आपके तो यहाँ पे आपको शो होगा, अदरवाइज एक ही आपका स्कूल है तो आप यहाँ पे स्कूल के बैनर पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको अगर न्यू स्टूडेंट एंट्री करना है तो आपको यहाँ पे जैसे कि हेडिंग दिख ही रहा है न्यू स्टूडेंट एंट्री, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपको सारा दिखाई दे रहा है, जैसे रोल नंबर, चाइल्ड नेम, स्टैंडर्ड डिविजन। अब जैसे मैं एक एंट्री करके आपको दिखाता हूँ, GR नंबर, रोल नंबर कंपलसरी नहीं है, चाइल्ड का नाम आप डाल दीजिए यहाँ पे, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, एड्रेस भी कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पे एनए लिख के आप छोड़ सकते हैं। आपको कौन से क्लास में चाइल्ड को रजिस्टर करना है, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, डिविजन सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर पेरेंट का नाम कंपलसरी है, फिलहाल मेरे पास पेरेंट का नेम नहीं है इसलिए मैं पेरेंट नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर एक कंपलसरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, एक पेरेंट का नाम एंड मोबाइल नंबर कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल हैं। तो आप यहाँ पे सेव एंड फीस एंड सेव लिखा है, तो आप डायरेक्टली सेव करेंगे तो आपके BMS सिस्टम में ये चाइल्ड रजिस्टर हो जाएगा। थैंक यू, बस खत्म।